मरी हुई माँ का अनोखा लहंगा। गंगापुर नाम के गांव में सुमन अपनी चाची विनीता के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में सुमन के माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से सुमन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। सुमन की चाची विनीता बहुत ही ज्यादा घमंडी और अत्याचारी थी। विनीता ने सुमन के घर आ जाने के बाद विनीता अपने घर के नौकरों को घर से निकाल देती है और सुमन से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाने लगती है। विनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उससे बहुत प्यार किया करती थी। तभी एक दिन गुनगुन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एक पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए। आपको तो पता ही है ना, अनीता आंटी की लड़की की शादी है और आज के फंक्शन में सब पिंक कलर का लहंगा ही पहनने वाले हैं। इसलिए मुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा दिलवा दूंगी, ठीक है। तभी गुनगुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद विनीता गुनगुन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुमन अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप मार्केट जा रही हैं तो मेरे भी कपड़े पुराने और फट गए हैं, तो क्या आप मेरे लिए भी कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओगी। वैसे तो अनीता आंटी के बेटी के फंक्शन में सबको तो लहंगा पहनकर ही जाना है, तो क्या आप कोई सस्ता सा लहंगा मेरे लिए भी ले आओगी आंटी। हाँ सही कहा तूने, अनीता आंटी की बेटी के फंक्शन में सबको लहंगा पहनकर ही जाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ केवल मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही लहंगा दिलवाने जा रही हूँ। इसलिए तेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं ना, उसी को पहनकर गुजारा कर, समझी, और यहाँ खड़ी होकर जवान मत चला, जा जाकर अब घर की साफ सफाई कर। ऐसा कहकर विनीता गुनगुन को लेकर मार्केट चली जाती है और बेचारी सुमन घर का सारा काम करने लग जाती है। काम खत्म करके सुमन अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, वह हमेशा मुझ पर ऐसे अत्याचार क्यों करती है। मुझे बस एक टाइम का ही खाना खाने के लिए देती है और वो भी बचा खुचा, और आपकी बेटी को फटे पुराने कपड़े देती है, और अब तो वो कपड़े भी घिस कर फट चुके हैं, और दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और माँ मैं तो अब अनीता आंटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सब लहंगा पहन कर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है। लेकिन मेरा भी बहुत मन है लहंगा पहन कर जाने का, लेकिन चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे लिए लहंगा नहीं लेकर आएगी। सुमन ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शाम हो जाने के बाद गुनगुन वो डिजाइनर लहंगा पहनकर विनीता के साथ फंक्शन में जा रही थी। तभी सुमन कहती है, चाची जी आप फंक्शन में जा रही हैं तो आपको शायद आने में देर हो जाएगी, तो क्या आप मुझे शाम का खाना दे सकती हैं खाने के लिए। मम्मी ये मनहूस लड़की ना हमेशा हमारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। हम लोग कितने खुशी से जा रहे थे और इसको इसके खाने की परी है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और मम्मी अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ मेरी बच्ची, इस मनहूस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुमन, अगर तू आज खाना नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी, और वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगा कर खाया था, इसलिए आज कोई खाना नहीं बना है, तो मैं अब तुझे खाने के लिए क्या दूँ। मम्मी जो कल आपने टॉमी के लिए रोटी डाली थी वही लाकर इस मनहूस को दे दीजिए। हाँ ये सही कहा तूने, चल सुमन तू भी क्या याद रखेगी, क्योंकि टॉमी ने आज वो रोटी नहीं खाई है, इसलिए तुम वो रोटी लेकर खा लेना, अब चल जा यहाँ से। ऐसा कहकर विनीता और गुनगुन वहाँ से चली जाती है। सुमन को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है और तभी सुमन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ आप तो सब देख रही हो ना,
चाची मुझ पर कितना जुल्म कर रही है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए कहा है। मैं टॉमी की जूठी रोटी कैसे खा सकती हूँ माँ? और वहाँ चाची और गुनगुन शादी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रही होंगी, और मुझे यह टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए मिल रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ। ऐसा कहकर सुमन अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची तुम इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा, और मैं सब जानती हूँ बेटी कि विनीता और गुनगुन तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, लेकिन मेरी प्यारी बेटी तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अनीता आंटी के फंक्शन में जरूर जाओगी। लेकिन माँ मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। आप तो सब देख रही हो ना माँ कि मेरे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, और मैं इन कपड़ों में वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें एक पिंक कलर का अनोखा जादुई लहंगा देती हूँ। माँ क्या आप सच कह रही हो? क्या आप मुझे पिंक कलर का जादुई अनोखा लहंगा दोगी? आप बहुत अच्छी हो माँ, और एक माँ ही अपनी बेटी के दुख और दर्द को समझ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुमन की माँ वहाँ जादू से एक पिंक कलर का सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देती है और कहती है, सुमन बेटा एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यह पिंक कलर का जादुई लहंगा दे तो रही हूँ, लेकिन यह लहंगा विनीता और गुनगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब तुम शादी के फंक्शन में वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन समझ जाती है, और सुमन वह पिंक लहंगा देखकर बहुत ही खुश होती है, और जैसे ही सुमन वह पिंक कलर का लहंगा पहनती है वैसे ही सुमन एकदम बदल जाती है, वह नौकरानी से एक राजकुमारी में बदल जाती है। तभी सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर खुशी खुशी अनीता आंटी के फंक्शन में जाती है। उस फंक्शन में जाने के बाद हर किसी की नज़र उसी पर होती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी सुमन को पहचान नहीं पाता है। मम्मी पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और मैंने तो इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मैं अपने दोस्तों को जला सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे खूबसूरत भी कोई नहीं लग सकता, लेकिन उस लड़की ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गुनगुन बेटी, लेकिन उस लड़की का लहंगा कितना सुंदर लग रहा था, और ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसा लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी महल की राजकुमारी आई हो। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो लड़की पहनकर आई थी। तभी गुनगुन और विनीता की बातें सुमन सुन रही थी, और उनकी बातें सुनकर सुमन बहुत हंसती है और कहती है, अरे अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वह खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और गलती से यह बात चाची और गुनगुन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और मैं अब अपने जादुई लहंगा पहनकर खाना भी मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि यह लहंगा जादुई है और इसे पहनकर कुछ भी मांगो तो वह मिल जाएगा। तभी सुमन के सामने बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसी समय गुनगुन वहाँ से गुजर रही होती है, और तभी गुनगुन सुमन को वह लहंगा पहने हुए देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि सुमन के पास कोई जादुई लहंगा है। तभी गुनगुन जाकर यह बात अपनी माँ को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद विनीता कहती है, अरे गुनगुन बेटी क्या तू सच कह रही है? क्या उस मनहूस लड़की के पास कोई जादुई लहंगा है? अब हमें उस मनहूस लड़की के पास से वह जादुई अनोखा लहंगा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा ही हक है,
और उस लहंगे से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर विनीता रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है वह जादुई पिंक कलर का लहंगा चुरा लेती है। जैसे ही गुनगुन उस लहंगे को पहनती है तो गुनगुन बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची इंसान हो। यह जादुई लहंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक लोगों के पास ही होता है। इसलिए तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। इसलिए तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। तभी विनीता और गुनगुन जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती है और जब वह बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चाची और गुनगुन के पास उसका जादुई लहंगा है। और यह देखकर सुमन हैरान हो जाती है और वह कहती है, चाची जी यह जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया है और उन्होंने कहा था कि यह लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको कुछ भी पता ना चले और आपके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए गुनगुन अब हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी और मैं नहीं चाहती थी कि गुनगुन के साथ ऐसा कुछ बुरा हो। सुमन मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दे बेटा। और अब मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ सुमन मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ, इसलिए अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी विनीता और गुनगुन सुमन से जैसे ही माफी मांगती है गुनगुन बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। उसके बाद उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए तुम्हारी बेटी पहले के जैसी हो गई है, इसलिए तुम लोग अब सुमन के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहते ही वह लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उस लहंगे की वजह से सुमन को चाची और बहन का प्यार मिल जाता है और सुमन को गुनगुन के रूप में एक अच्छी बहन भी मिल जाती है। अब सुमन उन लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है। जादुई लहंगा और पर्स का जादू। रामपुर गांव में संध्या और पूनम नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों के माता पिता नहीं थे। दोनों बहनों को सिलाई करना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वे दोनों बहनें सिलाई का काम किया करती थी और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। वही दूसरी तरफ उनके घर के पास ही विनीता नाम की एक औरत रहती थी जिसने अपनी सिलाई की दुकान खोल रखी थी। विनीता को सिलाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वह सिलाई का काम करती थी। विनीता मन लगाकर अपना काम नहीं करती थी, इसलिए वह अच्छे से सिलाई नहीं कर पाती थी। वही दूसरी तरफ संध्या और पूनम का काम बहुत अच्छे से चलता था, इसलिए विनीता उन दोनों बहनों से बहुत जलती थी। एक दिन विनीता अपनी बेटी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों बहनें कहीं जाकर मर जाए, फिर सारे लोग मेरे पास ही सिलाई कराने आएंगे। लेकिन मम्मी आपको तो सिलाई करना अच्छा नहीं लगता है, फिर आप ये क्यों चाहती हो? मुझे सिलाई करना इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि इन दोनों बहनों की वजह से मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आते हैं, इसलिए काम करने में मेरा मन नहीं लगता। एक तो मेरी इतनी अच्छी दुकान है, फिर भी इन दोनों बहनों की वजह से सभी उनके पास ही सिलाई करवाने जाते हैं। जब से इन दोनों ने सिलाई करना शुरू किया है तब से मेरा कमाई आधे से भी कम हो गया है। बेटी शादी का सीजन आ गया है, इसलिए जो भी लोग अब सिलाई के लिए कपड़े देने आए उन पर नजर रखना, और जो भी उन दोनों मनहूस बहनों की दुकान की तरफ जाए उन्हें भी अपनी दुकान पर ही ले आना। ठीक है माँ,
मैं अभी से ही इस काम में लग जाती हूँ। इतना बोलकर विनीता की बेटी घर के बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि एक अमीर औरत गाड़ी से उतरती है और संध्या के घर की तरफ जाने लगती है। यह देखकर विनीता की बेटी पायल भागते हुए उस औरत के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनिए आंटी, क्या आप सिलाई का ऑर्डर देने आई हो? आंटी, मेरी मम्मी बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। यह पास ही मेरी मम्मी की सिलाई की दुकान है। हाँ बेटे, मैं सिलाई का ऑर्डर देने ही आई हूँ, लेकिन मैंने सुना है यहाँ एक संध्या नाम की लड़की है, मैं उसी के घर जा रही हूँ। सुना है संध्या और उसकी बहन बहुत अच्छे और मजबूत सिलाई करती है, क्या तुम उसका घर जानती हो? नहीं, मुझे उसका घर नहीं पता, भाड़ में जाओ। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है और वह औरत आसपास के लोगों से संध्या का घर पूछकर उसके दुकान पर आती है और वह संध्या से कहती है, सुनो बेटे, क्या तुम दोनों वही लड़की हो जो सिलाई करती हो? हाँ हाँ, हम दोनों वही हैं। आइए, अंदर आइए। बेटी, एक महीने के बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उसके जन्मदिन के लिए सुंदर सा डिजाइनर लहंगा बना देना। और हाँ, मेरी देवरानी की भी दो लड़कियाँ हैं, इसलिए उन दोनों के लिए भी डिजाइनर फ्रॉक तैयार कर देना और मैं तुम्हें 3 डिजाइनर फ्रॉक बनाने के 30,000 रुपए दूंगी। ठीक है, मैं एक महीने में 3 डिजाइनर फ्रॉक बना दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस में 20,000 रुपए दे देती हूँ, बाकी के पैसे फ्रॉक बनने के बाद दे दूंगी। इतना बोलकर वह महिला संध्या को 20,000 रुपए एडवांस देकर वहाँ से चली जाती है। पायल बाहर खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। वह जल्दी से दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मी मम्मी, उस अमीर औरत ने उन दोनों बहनों को 3 डिजाइनर फ्रॉक बनाने को कहा है, जिसके बदले वह उन्हें 30,000 रुपए देंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन हम दोनों को किसी भी हाल में उसका सिलाई का ऑर्डर पूरा नहीं होने देना है। हाँ मम्मी, मेरे पास तो एक बहुत अच्छा आइडिया भी है। इतना बोलकर पायल विनीता के कान में कुछ बोलती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इसी तरह एक महीने होने से पहले ही दोनों बहनों का 3 डिजाइनर फ्रॉक बनकर तैयार हो जाता है। दीदी, अभी तो एक महीने होने में 5 दिन बाकी है और हमारा 3 डिजाइनर फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। हाँ, अच्छा हुआ हमने यह काम जल्दी से खत्म कर लिया, हमारे पास तो और भी बहुत सारे काम है छोटी। लेकिन दीदी, ये सारे ऑर्डर हम बाद में पूरा करेंगे, चलो ना कहीं बाहर घूम कर आते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने बाहर का कुछ नहीं खाया, इसलिए आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे और आप भी चल रही हो। संध्या पूनम की बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर दोनों बहनें बाहर चली जाती है। उन दोनों बहनों के बाहर चले जाने के बाद विनीता उनके घर में आती है और 3 डिजाइनर फ्रॉक में आग लगा देती है, यहाँ तक कि आसपास रखे हुए सारे कपड़ों में भी आग लगा देती है और फिर हंसते हुए बोलती है, बड़ी आई मेरा मुकाबला करने वाली, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, अब आएगा असली मजा। इतना बोलकर विनीता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब संध्या और पूनम घर आती है तो घर की हालत देखकर दोनों बहनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह देखती है डिजाइनर फ्रॉक के साथ साथ बाकी के सभी कपड़ों में भी आग लगी हुई है। यह देखकर दोनों बहनें रोने लगती है। तभी वहाँ पर विनीता और पायल आती है। संध्या, यह देख, तेरे सिलाई मशीन के पास ही तूने पूजा वाला दिया रखा हुआ था, मुझे लग रहा है कि इसी दिए की वजह से सारे कपड़ों में आग लग गई है। आखिर तुम दोनों बहनें इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे पता है तुम दोनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन कोई बात नहीं, सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह 5 दिन बीत जाता है और वह मालकिन अपने डिजाइनर फ्रॉक का ऑर्डर लेने संध्या के घर आती है। संध्या, मेरा डिजाइनर फ्रॉक बनकर तैयार हो गए क्या? यह सुनकर संध्या रोते हुए बोलती है, मैडम, आपका ऑर्डर तो समय से पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे फ्रॉक में आग लग गई।
यहाँ तक कि फ्रॉक के साथ साथ मेरे और भी सारे सिलाई के ऑर्डर जलकर राख हो गए। क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें उन फ्रॉक के एडवांस पैसे भी दिए थे और तुम मुझे बता रही हो कि फ्रॉक में आग लग गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मैडम, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, वो पैसे तो खर्च हो गए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ, मैं 2 दिन के बाद यहाँ आऊंगी। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़ दूंगी, समझ गई? इतना बोलकर वह मालकिन वहाँ से चली जाती है। मालकिन के जाने के बाद दोनों बहनें विनीता के घर जाती है और उससे बोलती है, विनीता आंटी, क्या आप हमें अभी 20,000 दे सकती हैं? नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम दोनों मेरे घर में पैसे मांगने आ जाओगी। चलो भागो यहाँ से, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। इस तरह विनीता दोनों बहनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। चलते चलते दोनों बहनें जंगल के एक गुफा में पहुंच जाती है। गुफा में उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई देती है। अरे दीदी, ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? चलो ना, चलकर देखते हैं। इतना बोलकर दोनों बहनें आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों बहनें देखती है कि वहाँ पर एक पड़ी है। पड़ी दोनों बहनों को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम संध्या है और ये मेरी बहन पूनम है, लेकिन आप तो एक परी है, आप इस गुफा में क्या कर रही हो? मैं रानी परी हूँ, मैंने कल यहाँ एक दुष्ट जादूगरनी को मारा था। मेरे परीलोक के कानून के हिसाब से जो भी परी किसी जादूगरनी को मारती है वह 2 दिन तक परी देश नहीं जा सकती है, इसलिए मैं 2 दिन के लिए इस गुफा में रह रही हूँ। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रानी परी के यह पूछने पर दोनों बहनें अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में रानी परी को बता देती है। रानी परी को उन दोनों पर बहुत ही तरस आता है, इसलिए रानी परी वहाँ पर एक सुनहरा फ्रॉक और पर्स प्रकट करती है और बोलती है, यह जादुई सुनहरा फ्रॉक और पर्स है, अब से तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो तुम उन पैसों को मन में सोचना और फिर इस जादुई पर्स में हाथ डालना, तुम्हें तुम्हारे मन चाहे पैसे मिल जाएंगे। और यह जादुई फ्रॉक है, इस जादुई फ्रॉक को पहनकर तुम जो कुछ भी बोलोगी वह सच हो जाएगा। यह सुनकर संध्या और पूनम बहुत ही खुश होती है। दोनों बहनें रानी परी का धन्यवाद करती है और जादुई फ्रॉक और पर्स लेकर वहाँ से घर आ जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले जादुई पर्स से पैसे मांगकर मालकिन के पैसे को वापस करती है और उसके बाद अपने घर वापस आ जाती है। दीदी, अब हम जादुई पर्स की मदद से एक बहुत बड़ी सिलाई की दुकान और साथ में एक बुटीक भी खोलेंगे। ठीक है पूनम, लेकिन हम इस जादुई फ्रॉक और पर्स का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे। जब हमारी खुद की सिलाई की दुकान और बुटीक खुल जाएगी और उसी से अपना गुजारा चलाएंगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक बड़े से सिलाई के दुकान के साथ साथ बड़ा सा बुटीक भी खोल लेती है। उसके बाद दोनों बहनें मन लगाकर मेहनत से सिलाई करने लगती है और बहुत सारे पैसे जमा करके अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लेती है। इधर विनीता और पायल दोनों बहनों का इतना बड़ा सिलाई का दुकान और बुटीक देखती है तो हैरान रह जाती है। मम्मी मम्मी, हमें तो लग रहा था कि यह दोनों अब कुछ नहीं कर पाएंगे और मुंह छुपाने के लिए इस गांव से बाहर भाग जाएंगे, लेकिन इतने कम समय में इन दोनों ने इतनी तरक्की कर ली। चलो मम्मी, इसके घर जाकर देखते हैं आखिर इसकी तरक्की का राज क्या है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के घर जाती है। दोनों को टेबल पर रखा हुआ जादुई पर्स और जादुई फ्रॉक नजर आता है। अरे देख तो पायल बेटा, यह फ्रॉक और पर्स कितना चमक रहा है। मुझे तो लग रहा है यह कोई जादुई फ्रॉक और पर्स है जिसकी मदद से इन लोगों ने इतनी तरक्की की है। चल अब हम इससे ढेर सारे पैसे मांगते हैं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी जादुई लहंगा और पर्स के पास जाती है और उससे ढेर सारे पैसे मांगती है।
लेकिन अगले ही पल जादुई पर्स से बहुत सारे आग के गोले निकलते हैं और दोनों माँ बेटी पर हमला कर देते हैं। दोनों माँ बेटी भागते हुए अपने घर चली जाती है। उस दिन से दोनों माँ बेटी को संध्या और पूनम से बहुत डर लगने लगता है, इसलिए दोनों कभी भी उन दोनों को तंग नहीं करती है और इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।